एनिमल के अबरार यानी बॉबी देओल पर बनने वाली है पूरी एक फिल्म। रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल को सिनेमा घरों में रिलीज हुए एक महीना होने वाला है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से काफी प्यार मिल रहा है। एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा बॉबी देओल के रोल को भी लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में उनके रोल का नाम अबरार था। बॉबी देओल ने इस रोल को बिना एक शब्द होने के शानदार तरीके से निभाया, जिसको देखते हुए अब एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अबरार पर फिल्म बनाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट की माने तो इन दिनों एनिमल के प्रोड्यूसर फिल्म की सीक्वल को लेकर तैयारी कर रहे हैं। एनिमल का सीक्वल 2026 में आ सकता है, जो कि बॉबी देओल के रोल अबरार का एक स्पिन ऑफ होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये स्पिन ऑफ एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ही करे, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की ओर से अभी तक अबरार के स्पिन ऑफ को लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वही एनिमल ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी धुआंधार कमाई की है। इंडिया में 534.44 करोड़ का कलेक्शन एनिमल ने किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड 864 करोड़ की कमाई एनिमल ने कर ली है। 2023 में एनिमल का ग्रॉस कलेक्शन चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुका है।